वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम रूपम और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करने वाला हीरो माएस्ट्रो BS610 फाइनली लॉन्च हो चुकी है। इसके पहले 125 लॉन्च हुई थी एंड अब 110 लॉन्च हुई है एंड ये गाड़ी का अभी तक प्राइस रिवील नहीं हुआ था एंड फाइनली ये प्राइस रिवील हो चुका है। तो यहाँ पे अब हमारा काम चालू होता है कि 5 हाइलाइटिंग फीचर्स क्या है, तो आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है। तो आखिर तक वीडियो देखना, बिल्कुल भी मत मिस करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। हम लोग हर बाइक का 5 हाइलाइटिंग फीचर वाला एक वीडियो जरूर बनाते हैं क्योंकि हम उसको कंपेयर नहीं करना चाहते कि BS4 में क्या है, BS6 में क्या है, ये छुटमुट चीजें कि 16 चेंजेस है, 17 चेंजेस है, ऐसा नहीं। एक्चुअल की चेंजेस क्या है और की फीचर्स क्या है इसका हम डायरेक्ट बात करते हैं। इसलिए मैं 5 हाइलाइटिंग फीचर वाले जो वीडियो है हमेशा बनाता हूं हर गाड़ी का। आज की बारी है हीरो माएस्ट्रो 110 BS6 की। तो सबसे पहली चीज तो हम बात करेंगे प्राइसिंग के बारे में। यस, हीरो माएस्ट्रो 110 BS6 का प्राइस रिवील हो चुका है। कुछ दिन पहले सिर्फ लॉन्च हुई थी, अब इसकी प्राइस रिवील हो गई है। इसमें एक्चुअली में 2 वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा, एक आपको मिलेगा बेस वेरिएंट और एक मिलेगा आपको अलॉय व्हील वाला वेरिएंट। अगर बेस वेरिएंट लेते जिसका है DX मॉडल, उसका प्राइस आपको देना पड़ता है 60,950 रुपीज एंड जो अलॉय व्हील वाला जो वेरिएंट है उसका प्राइस आपको देना पड़ता है 62,450 रुपीज। ये एक्स शोरूम दिल्ली का प्राइस है। लेकिन आप लोग बोलोगे यार रूपम भाई, हीरो माएस्ट्रो में डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट का प्राइस का ये तो नहीं बताया। सो दोस्तों, अभी तक उसकी प्राइस तो दूर किया, उसके बारे बात ही नहीं हुई है कि ये गाड़ी आएगी या नहीं आएगी। इट्स लाइक जुपिटर जब लॉन्च हुई थी उसमें सिर्फ और सिर्फ ड्रम ब्रेक का सेटअप था, डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट लॉन्च नहीं हुआ था और वो वेरिएंट की बात भी नहीं। आफ्टर 2.5 मंथ वो गाड़ी डिस्क ब्रेक में भी लॉन्च हो चुकी है। तो माएस्ट्रो के साथ भी यही कहानी है, कुछ दिन बाद इसका डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट भी आ जाएगा, तो उसकी टेंशन ना लें। सेकंड हाइलाइटिंग चीज की बात करें वो है इसका इंजन। यस, मेरे को काफी पसंद आया इसका इंजन। 10cc का इंजन है, BS6 इंजन है, फ्यूल इंजेक्शन के साथ आता है, लेकिन जो पावर आउटपुट प्रोड्यूस करता है वो 8 BHP है, जो कि आपको देखने को मिलता है 7500 RPM में। एंड जो टॉर्क इस गाड़ी में देखने को मिलता है दैट इज 8.75 न्यूटन मीटर का टॉर्क एट द रेट 5500 RPM में। अगर मैं बात करूं इसको दूसरी गाड़ी के साथ कंपेयर करूं 110cc की गाड़ियों से, तो यस यहाँ पे पावर आपको थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है, इसलिए मैं इस गाड़ी को थोड़ा थम्स अप देना पसंद करूंगा अपार्ट फ्रॉम होंडा, अपार्ट फ्रॉम TVS, क्योंकि उन गाड़ियों का जो पावर है वो थोड़ा कम देखने को मिला मेरे को। इवन टॉर्क भी थोड़ा ज्यादा है इस गाड़ी का, हीरो माएस्ट्रो 110 का। इस हिसाब से देखेंगे तो हीरो माएस्ट्रो थोड़ी बेटर हो जाती है। इसमें CVT ट्रांसमिशन देखने को मिलता है जो कि हर स्कूटर में आपको देखने को मिलता है इंडियन मार्केट में। बात आती है अब इस गाड़ी के फीचर्स की या डिजाइन की, तो डिजाइन एंड फीचर्स में कोई भी चीज एड ऑन नहीं की और कोई भी चीजें इंक्लूजन नहीं किया है। कॉम्बिनेशन आपको काफी अच्छा देखने को मिलता है, ग्राफिकली काफी अच्छी कर दिया है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी टेक्नोलॉजी यूज नहीं किया है। हैलोजन हेडलाइट है, पार्ट एनालॉग पार्ट डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन है, जो पहले आपको देखने को मिलता था वही आपको सेटअप देखने को मिलता है। USB पोर्ट देखने को मिलता है, अंडर सीट में आपको लाइट देखने को मिलता है, एक्सटर्नल फ्यूलेट देखने को मिलता है। यस, लेकिन मेरे को इसका एक्सटर्नल फ्यूलेट ज्यादा पसंद है क्योंकि लुक वाइज बहुत अच्छा हो जाता है। LED आपको टेल लाइट देखने को मिलता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है गाड़ी में, बस इतना ही है। फ्लोर बोर्ड मेरे को अच्छा लगा, फ्लोर बोर्ड काफी फ्लैट है और थोड़ा स्पेशियस है। दूसरी गाड़ी में स्पेशियस थोड़ा कम है, इसमें थोड़ा स्पेशियस ज्यादा आपको देखने को मिलता है। तो बात हो गई इसके थर्ड हाइलाइटिंग फीचर के बारे में। अब बात करें फोर्थ हाइलाइटिंग, वो होता है इसके साइकिल पार्ट। जैसे कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं इस गाड़ी में साइकिल पार्ट में कोई भी चेंजेस नहीं है, वही सेटअप देखने को मिलता है। अगर मैं व्हील्स की बात करूं तो 12 इंच के फ्रंट व्हील और 10 इंच के आपको रियर व्हील देखने को मिलता है। टेलीस्कोपिक फोक फ्रंट में, रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन, तो ये सस्पेंशन सेटअप ये हो गया। इसकी ब्रेकिंग के ऊपर कोई बात नहीं हुई है, लेकिन ड्रम ब्रेक में 130mm का फ्रंट एंड 130mm का रियर देखने को मिलेगा कॉम्बी ब्रेक सिस्टम के साथ। लेकिन डिस्क ब्रेक वाले की अभी कोई चर्चा नहीं है, तो उसके बारे में हम बता नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे ही वो अपडेट होगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो उसके ऊपर स्टे ट्यून करना इस चैनल पे, उसके बारे में हम बात करेंगे आगे जब ये लॉन्च होती है। इसके बाद की इसकी ड्राइवेट क्या है, 112 kg का इसका ड्राइवेट है। एंड अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के फ्यूल टैंक की, तो 5 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है जो कि एवरेज है, क्योंकि इतना ही फ्यूल टैंक आपको दूसरी गाड़ी में देखने को मिलता है, क्योंकि ये सिटी के लिए ही बनी हुई गाड़ी है। आप हाईवे पे चलाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा जेरिकेन और ये सब आपको साथ में रखना पड़ेगा, तो इस कारण से अच्छा है कि आपको सिटी में राइड करना है तो ये 5 लीटर का टैंक काफ़ी अच्छा है। और इस गाड़ी का जो पावर आउटपुट एंड जो सब कुछ फ्यूल इंजेक्शन ऐड किया गया है, उस कारण से इसमें 2 चीज़ अच्छी इंक्लूजन हुआ। पहली तो पावर इसका अच्छा हो गया, पावर नहीं एक्चुअल में पिकअप इसका अच्छा हो गया। एंड सेकंड, इस गाड़ी का फ्यूल इकोनॉमी भी बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है अभी कंपनी ने क्लेम नहीं किया है,
जैसी आएगा उसके ऊपर भी मैं अपडेट कर दूंगा। हाइलाइटिंग चीज की बात करें वो इसका कलर कॉम्बिनेशन, यस तो पहले चीज तो आपको अट्रैक्ट करने वाली चीज है इसका कलर कॉम्बिनेशन, और बोले तो इसके ग्राफिक्स बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। आपको माइस्ट्रो का बैजिंग देखने को मिलता है बड़े अक्षर में, जो कि बहुत अच्छा लुक प्रोवाइड करता है। इवन जो होते ना ब्रिविंस टाइप के, उसके डिजाइन बहुत अच्छे है। इस गाड़ी में अगर कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो 6 कलर कॉम्बिनेशन है, ब्लू के 2 कलर कॉम्बिनेशन है, रेड है, ब्लैक है, सिल्वर है, व्हाइट कलर है, तो बहुत सारे कलर है, मतलब टोटल 6 कलर हो गए, ब्लू के 2 कलर टोटल और 4 कलर, तो टोटल 6 कलर आपको इस गाड़ी में देखने को मिलते हैं कलर कॉम्बिनेशन। तो आपके वास्ट एरिया है कलर चूज करने के लिए जिसमें आप ले सकते हैं। अब आती मेरी ओपिनियन की, क्योंकि हर वीडियो में आखिरी में मैं ओपिनियन जरूर शेयर करता हूँ। वेल अगर डिजाइन वाइज देखेंगे तो काफी अच्छी है, एंड इंजन वाइज भी मेरे को अच्छी लगी। हाँ वैसा टेक्नोलॉजी नहीं है जैसे एक्टिवा में था, साइलेंट स्टार्ट का ऑप्शन, स्विच का बटन एंड ये वो सारी चीज नहीं है, लेकिन हाँ प्रैक्टिकल डे टू डे एक्टिविटी में जो गाड़ी में जरूरत है वो माइस्ट्रो में है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मेरे को माइस्ट्रो बहुत पसंद है, लेकिन यार दूसरी कंपनियां जहां कॉम्प्रोमाइज कर रही पावर के साथ, टॉर्क के साथ, वहां पे हीरो ने ये चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने पूरा फोकस किया कि इसका पावर एंड टॉर्क बरकरार रहे, कमी ना हो। 110 सीसी सेगमेंट में देखेंगे तो माइस्ट्रो अभी भी अच्छी पावर प्रोड्यूस कर रही है एंड एवरेज भी काफी अच्छा आपको देगी। तो मेरे हिसाब से अब माइस्ट्रो मेरे को भी अच्छी लगने लगी है 110 सीसी में, क्योंकि जब तक लॉन्च नहीं हुई थी तो मैं दूसरी गाड़ियों को मैं अच्छा बोल रहा था, लेकिन अब माइस्ट्रो मेरे को अब लग रही है कि हाँ बेटर अब हो गई है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आप परचेस करना चाहते हैं गाड़ी तो ये जरूर वीडियो देखिएगा, बहुत हेल्प आएगी, या किसी को जरूर शेयर करिएगा, एटलीस्ट उसको हाइलाइट्स तो पता चले कि क्या है इस गाड़ी के। मिलते हैं अगले वीडियो में, और नीचे जो इंस्टाग्राम का जो हैंडलर है ना इसको जरूर फॉलो करना, क्योंकि इससे ज्यादा एक्टिव मैं इंस्टाग्राम में रहता हूं, तो प्लीज वहां पे फॉलो कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, चाओ।